कृपया बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मल्ला समाज के बारे में इस तरीके से कोट लिखा गया, तूफानों से आंख मिलाकर सैलाब को पार करो और मल्ला के चक्कर छोड़ो, तैरकर दरिया पार करो। कि बिहार में नीतीश कुमार फैक्टर है और नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए सम्राट चौधरी जी को लाया गया, उनको नेता बनाया गया। मुकेश सहनी फैक्टर है, इसलिए सम्राट चौधरी जी को आनंद फानंद में उनको उतार दिया कुर्सी से। ये भारतीय जनता पार्टी से दर्शाता है कि कितना उनको बेइज्जत करके उनको कुर्सी से उतारा गया। आज देश और दुनिया सबको पता है और आपको भी पता है, मुकेश सहनी को MLC नहीं मिला, उसके बदले में उनको MLC बनाया गया। उसके बाद मुकेश सहनी को रोकने के लिए आपने, मैंने 25 तारीख को ही हमने कह दिया था कि हमें लोग धमकी दे रहे हैं कि आप बात मान लीजिए नहीं तो विधान परिषद में आपको सामने नेता खड़ा कर देंगे। हमने कहा था कि आप कर लीजिए, आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, प्रधानमंत्री बना दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोगों को भी पता है कि आज से 6 महीना पहले, MNC बनने से पहले आप लोग कितना लोग जानते थे। और मोदी जी से फायदा जो उनको मिला है डिजिटल इंडिया, जो आज पूरे गाँव में कहीं पे भी जाइए तो अभी लोग पहले जैसा पूर्वक नहीं रहा, बहुत समझदार हो गया। आज का युवा के पास मोबाइल आ गया है और उसमें टच स्क्रीन वाला मोबाइल है और वो देख रहा है देश दुनिया में कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैसे कौन पीछे जा रहे हैं, किनको लोग खत्म करने के लिए कैसे लाया जा रहा है। और मुझे खुशी है कि हरीश सहनी जी को नेता बनाया गया। कल तक वो मान रहे थे भारतीय जनता पार्टी कि बिहार में नीतीश कुमार फैक्टर है और नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए सम्राट चौधरी जी को लाया गया, उनको नेता बनाया गया। और आज मुझे खुशी है कि आज वो मान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी फैक्टर नहीं है, मुकेश सहनी फैक्टर है, इसलिए सम्राट चौधरी जी को आनंद फानंद में उनको उतार दिया कुर्सी से और आनंद फानंद में हरीश सहनी जी को बैठाया गया। इस बात से मुझे खुशी है कि लोग मुझे अभी समझने लगा कि बिहार में एक हम फैक्टर बन गए हैं और सम्राट चौधरी जी को खुशी से नहीं उतरे हैं। सम्राट जी को बहुत तकलीफ हुआ है। कल तक कुशवाहा समाज को लगता था कि मेरे समाज में से कोई एक नेता को लाए हैं और उनको खुशी मिलता था, लेकिन उनको उतारने के बाद उस कुशवाहा समाज से पूछे कि उनको कैसा लग रहा, और खुद सम्राट चौधरी को भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एक खास करके जब भी उनको उतारा गया तो उन्होंने एक सोशल मीडिया पे और खास करके फेसबुक पे उन्होंने एक पोस्ट लगाया था, तूफानों से आंख मिलाकर सैलाब को पार करो और मल्ला के चक्कर छोड़ो, तैरकर दरिया पार करो। यह बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मल्ला समाज के बारे में इस तरीके से कोट लिखा गया। जब उनको दिल्ली से बात हुआ तो 24 कुछ ही घंटे में इसको डिलीट किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी से दर्शाता है कि कितना उनको बेइज्जत करके उनको कुर्सी से उतारा गया। खास करके मैं बताऊंगा कि मल्ला शब्द जो है, कभी भगवान श्री राम जी भी मल्ला के बगैर पार नहीं हुए थे। तो आज के समय में, युग में, अगर कोई सोचे कि मल्ला के चक्कर छोड़ो और खुद पार लग जाए तो यह असंभव है। जब राम जी को मल्ला जरूरत पड़ा था, केवट महाराज जरूरी गिरा, तो आज भी मल्ला का जरूरत होगा। और मैं तो अभी भी आग्रह करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने भी संकल्प लिया था कि हम देश के हर वर्ग के लिए काम करेंगे, किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, हर किसी को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं अभी भी आग्रह करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी 5-6 महीना और हैं अभी देश में, और हम आग्रह करेंगे कि वो निषाद को आरक्षण, जो हम देश के संविधान के दायरे में रहते हैं, मुझे आरक्षण चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम पे कोई मेहरबानी करे। आरक्षण ऑलरेडी बिहार देश में मिला हुआ है, निषाद को सिर्फ OBC में रखा गया, OBC से निकालकर SC में जोड़ना है। और ये काम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। अभी पिछले महीना ही एक राज्य में अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने उत्तराखंड में, या हाँ उत्तराखंड में या कहीं पे, मतलब कोई राज्य का याद नहीं आ रहा, छत्तीसगढ़ में, वहां पे कोट समाज को आरक्षण लागू किया गया। तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लाखों यूथ, सभी समाज के हर वर्ग, माता बहन, सभी नौजवान मजबूती से भी अभी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और सभी लोग संकल्प कर रहे हैं।